ये वो जगह है जहाँ सुबह होती है नन्हे बच्चों की गूंज से। कोई माँ का हाथ चूमता है तो कोई प्यार से चुनी हुई मोतियाँ माँ के हाथ में डालता है। पाकिस्तान के खूबसूरत मंजर धुंधले पड़ जाते हैं और आज हम इन्हीं मंजर की अकासी करेंगे। इस अफरा तफरी के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए मसीहा हैं। सारे बनी शेल्टर होम ये टीम पिछले 27-28 साल से काम कर रही है और हर उस इंसान की मदद करती है जिसके पास घर नहीं होता, जिसके पास कानूनी मामनत नहीं होती, जिसके पास कोई भी मसले मसाइल होते हैं, जहनी मरीज़, जिस्मानी मरीज़, सबके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अगर बच्चियों की, नौजवान बच्चियों की बात करूँ, वो यहाँ पर आती हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि या तो घर वालों से पैचअप हो जाए और वो वापस चली जाएँ, और अगर उनका कोई नहीं है, बेआसरा हैं या बेआसरा बना दिया गया है, तो उनकी शादियाँ करवाता है सारे बनी शेल्टर होम। बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज, अल्लाह की शान है, किसी को अल्लाह ताला नवाजता है तो वो उसकी कदर नहीं करता, उन्हें उठा के रोड पर फेंक देता है और जाने कहाँ कहाँ फेंक देता है जहाँ से हमारे पास बच्चे आते हैं। और जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ये नेमत और ये रहमत नहीं देता, वो हमारे पास आते हैं और हमसे यकीन जानिएगा कि गिड़गिड़ा के उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनको औलाद मिले, और वो अल्लाह से इतनी दुआएं करते हैं कि मेरा इदारा या कोई भी इदारा उनको बच्चा दे दे। तो इस तरह से हम बच्चों के एडॉप्शन और गार्डियनशिप भी करते हैं। सारिम बरनी, आलिया सारिम, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने हर उस बच्चे को इज्जत की छत दी जो बचपन में ही मजदूरी के भेंट चढ़ जाता है या चंद पैसों के लालच में इसका बाप इसे बेच देता है। यह ऐसी लड़की जो किसी की हवस का निशाना बनी, या ऐसी औरत जो जहेज जैसी लालच के बायस अपने शौहर के हाथों झुलसी हो। नौजवान बच्चियों की शादियां, न्यूबॉर्न बेबीज की एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, उसके अलावा बूढ़ी माएँ हमारे पास आती हैं। ये वो माएँ हैं जिनके पास घर भी होते हैं, जिनके पास आसरे भी होते हैं, लेकिन वो जिनको उन्होंने घर दिया होता है, जिन्हें उन्होंने पैदा किया होता है, पाला पोसा होता है, वही कभी, अगर बेटे की बात करूँ तो बहू के कहने में आके, कभी बेटी की बात करूँ तो किसी लालच में, किसी दबाव में आके उसी माँ को, उसी बाप को घर से निकाल देते हैं। आसरा देने वाले, पैदा करने वाले माँ बाप को भी आसरा कर दिया जाता है। पार्क में बैठते हैं, रोड पर बैठते हैं, मज़ार पर बैठते हैं, जाने किस किस सीढ़ी पर और किस किस जगह पर वो बैठ के फाइनली यहाँ पर सारे बनी शेल्टर होम पहुँच जाते हैं और हम उनको अपने माँ बाप की तरह रखते हैं। और मुझे तो हैरत होती है जब मेरे पास माँ बाप की हैसियत से रहते हैं तो मुझे किसी वक्त, अगर जो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है कि उनके होने से कहीं ना कहीं वो दुआएँ उनके थ्रू मुझ तक पहुँच रही हैं। इस तरह से बूढ़े माँ बाप यहाँ पर, ये ओल्ड एज होम मैं नहीं कहूँगी, पेरेंट्स होम कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि ये पेरेंट्स होम भी यहाँ पे काम करता है। लीगल एड हमारे यहाँ जो कानून के साथ मजाक किया जाता है, जो इंसाफ के साथ मजाक किया जाता है, सब जानते हैं, कानूनी मामनत और फ्री कानूनी मामनत यहाँ पर होती है। तो वो लोग जो अपने किसी भी मसले मसाइल में उलझ जाते हैं और उनके पास इतनी सख्त नहीं होती कि इंसाफ ले सकें, वो हमारे पास से फ्री मामनत लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हक में जब फैसले होते हैं तो उन सारी दुआओं के साथ ये इदारा ग्रो कर रहा होता है। उन दुआओं के साथ अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखता है। जहनी मरीज घर वालों को नहीं चाहिए होते, उन्हें लगता है कि उन पर बोझ बन गए हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ लोग बाज़ाहिर बेसहारा हैं, लेकिन एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा है। ये वो घर है जहाँ के रहने वाले लोग आम जरूर हैं, लेकिन एक खास अहमियत के हामिल हैं। इन बच्चों के मासूम चेहरे और हंसती आंखें इस बात का सबूत देती हैं कि ना ये यतीम हैं और ना ये लावारिस हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं एक साल पहले भी, दो साल पहले आई थी यहाँ, मगर डर से मैं भाग गई थी यहाँ से कि पता नहीं कैसे रखा जाता होगा कैसे नहीं। फिर अब के मैं आ गई अपना दिल पक्का करके यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ आई, यहाँ के लोगों को देखा, दिल लगाया, अच्छा लगा,
बता दिया मैंने कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मैं रहना चाहती हूँ, चला नहीं रहता, पैरों में तकलीफ है मुझे। वो औरतें जो माशरे की दरिंदगी देखकर या किसी और बायस इस घर में आती हैं, उन्हें इस बात का सुकून ज़रूर है कि ये घर उनका महाफिज है। सब कुछ मिलता है, खाने को भी मिलता है, पहनने को भी मिलता है, जो कहते हैं वो भी होता है, फरमाइश भी पूरी होती है, हमारे हर तरह से मतलब ये सुकून है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला जिस जगह जिस तरह का भी हमसे काम लेना चाहता है और हमारे पास वो वसाइल होते हैं, हम वो काम करते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसे पेशेंट भी हमारे पास हैं, उनका भी इलाज हो रहा है, फॉलिज ज़्यादा लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। बस अल्लाह ताला इस सिलसिले को चलाए रखे, ये काम होता रहे और हम अपनी इस अपने लोगों को, अपने प्यारों को, ये जितने लोग हैं ये सब हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने प्यारे हैं, अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़े रखे, वसाइल बनाए रखे, आपकी दुआएं शामिल रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर ज़िंदगी में और पैदा होने का, दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, मकसद यही है कि इंसान इंसान के काम आए। और यहीं से ये बच्चे परवान चढ़ते हैं, इन्हें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। आप भी इस कार्य खैर का हिस्सा बने ताकि ये छत और वसा